अजय आलोक जी वो कह रहे हैं कि वैक्सीन देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने अपने कंधे पर ले रखी है तो उसको पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है, जगह जगह वैक्सीनेशन सेंटर आखिर बंद क्यों हो रहे हैं? देखिए चित्रा जी, ये आज से बहस नहीं चल रही है, ये पिछले 15 दिन से ये बहस चल रही है। मैंने बोला भी था कि आने वाले 15 दिन के बाद ये मुद्दा खत्म हो जाएगा, लेकिन जब तक ये मुद्दा खत्म नहीं हुआ तब तक ये लोग चिल्लाएंगे कि वैक्सीन नहीं मिल रही है, वैक्सीन नहीं मिल रही है। जब वैक्सीन 16 जनवरी से मिल रही थी तो 16 जनवरी से 16 अप्रैल क्यों वैक्सीन नहीं दे पा रहे थे, जरा ये भी पूछ लीजिए। 16 अप्रैल से जब महामारी फॉर्म में आई, वैक्सीनेशन पे लोग की जागरूकता बढ़ी, तभी ये लोग चिल्लाना शुरू किया वैक्सीन नहीं मिल रही है। केंद्र सरकार ने पूरा ब्लूप्रिंट रख दिया था, डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ फ्रंटलाइन वर्कर के लिए थी ना, उसमें भी तो 50% से ज्यादा नहीं ले पाए। इसकी ये जिम्मेदारी कौन लेगा अपने अपने राज्यों में? मेडिकल वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स, सबसे कम वैक्सीनेशन छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र क्यों हुआ, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रधानमंत्री मोदी लेंगे? किसने भ्रम फैलाया था वैक्सीन पे कि कोवैक्सीन अपने स्टेट में हम नहीं देंगे? किसने ओपनली कहा था कि ये वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे? किसने कहा था बीजेपी की वैक्सीन है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रधानमंत्री मोदी लेंगे? बेकार की बहस में हम लोग उलझ रहे हैं यहाँ पे, सकारात्मक तो कोई हो नहीं सकते यहाँ बैठ के। ये नहीं कि हम लोग सब मिलजुल के जितना वैक्सीन है 3-3 दिन का स्टॉक पड़ा हुआ देते जाइए, केंद्र दे रहा है, आने वाले दिनों में प्रोडक्शन बढ़ेगी, टारगेट होना चाहिए कि नवंबर के पहले वैक्सीनेशन पूरा कर लें। तापस में बैठ के हम लोग जाओ 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 कर रहे हैं, ना जनता का भला होगा ना किसी का भला होगा। और वैक्सीन तो केंद्र की ही जिम्मेदारी है, अब केंद्र को ही देनी है। पहले आप लोग डिसेंट्रलाइज करने की बात कर रहे थे, बाद में आप लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं कर सकते हैं, केंद्र दे, आपूर्तिकर्ता केंद्र बने, हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन में भी दिक्कत, ठीक है। आप एक ओवैसी जी भी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री आंख में आंसू लेके बात कर रहे हैं, तो भैया आंख में आंसू लेके तो बहुत लोगों ने जनता के साथ मजाक किया है। हैदराबाद का जब मर्जर हो रहा था तो कौन आंख में आंसू लेके अपने हैदराबाद की जनता से बात कर रहा था? याद होगा ओवैसी साहब को, उन्हीं के पूज्य पिताजी थे। तो इस तरह की बातें ना करें तो ज्यादा बेहतर है, इस तरह गंदी राजनीति से किसी का भला नहीं निकलने वाला। सारे राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं, कभी ना कभी सत्ता में रहे हैं और सत्ता में रहेंगे भी, सत्ता में हैं भी, तो अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर ले, लड़ाई किसी के झगड़े से ज्यादा मुझे तो ये लगता है। देखिए चित्रा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि केंद्र सरकार वैक्सीन के मसले पे पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जब 2020 के पिछले साल समर में पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रियां फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को ऑर्डर दे रही थी तो देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? देश के प्रधानमंत्री को जब नहीं सुना कि मुझे ऑर्डर देना है वैक्सीन का, क्यों नहीं मंगाए वैक्सीन? हमारे घर में वैक्सीन नहीं थी, हम एक्सपोर्ट करने चले गए वैक्सीन को, पहले खुद क्या घर का तो देखो, उसके बाद में वैक्सीन आप एक्सपोर्ट कर। देखिए आप पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने वैक्सीन ली या फिर नहीं ली, आप संदेश क्या? अरे अजय आलोक साहब, पहले हमारे देश की गरीब जनता को तो दिला दीजिए वैक्सीन। हमारे पास रूरल एरिया के अंदर आज मोबाइल नहीं है, आप बोल दो जाके वैक्सीन की ऐप डाउनलोड करो फिर वैक्सीन लो। मैंने लिया, आपने लिया क्या? नहीं, अरे मुझे तो मिल जाएगी, आपका क्या होगा? जनाब अली, आप पहले लाइन में जाके खड़े रहो, पहले लगवाई लाइन नोट के लिए, अब लगवाओ लाइन वैक्सीन के लिए, और लाइन लगा दिया कब्रिस्तान और शमशान के बाद। अरे मोदी ने सबकी जान ले ली, सबको बांट डाला, लोग मर गए कब्रिस्तान के बाद और शमशान के बाद, लाइन लगी है, लाइन लगी है, वो आपने जाके देखा क्या कभी पहले? अरे घर में वैक्सीन नहीं थी, आपको एक्सपोर्ट करने का किसने बोला था? किसने आपको बोला एक्सपोर्ट करिए वैक्सीन? पहले खुद के घर की फिक्र करो। 1,40,00,000 की हमारी देश की जनता है, आज बिचारों के पास जब जाते हैं कोविन के अंदर एक करने के लिए, वहाँ पे उनका वो भी नहीं हो रहा है, अरे नाम नहीं हो रहा है, जब नाम ही नोट नहीं होगा तो किस तरह से वैक्सीन का? देखो आप बोलने नहीं देंगे ना अजय आलो, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, आपको नहीं बोलने एक एक करके, एक एक करके, लेकिन विपक्ष का काम केवल राजनीति करना है क्या? बात कर रहे थे, मैंने एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, लोग एक सेकंड सर बकवास कर रहे थे तब मैं खामोशी से सुन रहा था, अब मेरी तकलीफ वाली बात जो है नहीं, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से आपने तो यहाँ पर कह दिया कि 1 करोड़ इतने इतनी जनसंख्या नहीं है सर, 7 अरब से ज्यादा की आबादी है और इतनी बड़ी आबादी तक वैक्सीनेशन के लिए वक्त लगेगा या नहीं लगेगा? खान साहब कब मिलेगी? या सिर्फ पॉलिटिक्स होगी पूरे मामले पर? जब हमने ऑर्डर नहीं दिया वैक्सीन का, आधी आधी दुनिया ने ऑर्डर दे दिया था फार्मास्यूटिकल कंपनी को वैक्सीन के लिए, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री बिजी थे ना, बंगाल में चुनाव लड़ना था, भीड़ इकट्ठा देख के खुशियां मनानी थी, उसके बाद कब्रिस्तान और शमशान के बाद लाइन देखनी थी। अगर आप लोग नहीं पहुंचते बंगाल तो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता। आज हमारे पहले खुद में झांकिए कि गए थे कि नहीं गए थे, उसके बाद फिर दूसरों को आप लोग गए थे या नहीं गए थे? हमने कहा क्या तो हो जाए तो बुरा, आप जाए तो बहुत अच्छा। मुझे इतनी खुशी हो रही है, प्रधानमंत्री जी को भीड़ वो नहीं दिखी,
प्रधानमंत्री को भीड़ हॉस्पिटल के बाहर नहीं दिखी ऑक्सीजन के लिए, प्रधानमंत्री को भीड़ शमशान भूमि के बाहर नहीं दिखी, प्रधानमंत्री को भीड़ कब्रिस्तान के बाहर नहीं दिखी।